हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग प्रोग्रेस बार के बारे में जानेंगे। प्रोग्रेस बार डेफिनेशन जानने से अच्छा है कि देख लीजिए प्रैक्टिकली कैसा दिखाई देता है। इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा। प्रोग्रेस बार हम लोग सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ हम लोग को एक प्रोग्रेस बार देखने को मिलता है। बस वही सेम टू सेम आपको यहाँ ये देखने को मिल रहा है। इसमें क्या क्या क्लासेस यूज़ करनी है देख लीजिए। वी यूज़ प्रोग्रेस एज अ रैपर टू इंडिकेट द मैक्स वैल्यू ऑफ द प्रोग्रेस बार। Use the inner progress bar to indicate the progress so far. The progress bar require an inline style utility class or custom CSS to set their width. Width set करने के लिए आपको inline style लिखना पड़ेगा progress bar वाले tag में. Then progress bar also require some role or area attribute to make it accessible. इसलिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ इस तरीके का हम लोग बनाते हैं। सो देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड है इनलाइन स्टाइल देना है, देन रिक्वायर्ड है रोल और कुछ एरिया एट्रीब्यूट्स जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। एक डिव बनाना है, एक डिव बनाया मैंने। डिव के अंदर क्लास लिखते हैं और यहाँ देते हैं प्रोग्रेस क्लास आपको लिखना है। इसके अंदर एक और डिव बनाना है और इस डिव के अंदर आपको लिखना है क्लास प्रोग्रेस बार और यहाँ आप रोल लिखते हैं प्रोग्रेस बार और आपको यहाँ स्टाइल देना है इनलाइन स्टाइल जिसमें आप विड्थ डिफाइन करेंगे। अभी के लिए मैंने इसको डिफाइन कर दिया है 25%। अगर इसको आप सेव करते हैं अभी इतने में ही तो आपको प्रोग्रेस बार आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सेव किया मैंने। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से ये 25% विड्थ के साथ ये आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें आपको कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको ऐड करनी चाहिए। पहला है आपका एरिया वैल्यू नाउ, एरिया डैश वैल्यू नाउ, यानी कि अभी प्रेजेंट में इसका वैल्यू कितना है, तो 25 है। उसी तरीके से मीन वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, एरिया मीन वैल्यू 0। इस तरीके से मैक्स वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, एरिया वैल्यू मैक्स 100। ये आपका एक प्रॉपर प्रोग्रेस बार बनता है। सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये प्रॉपर प्रोग्रेस बार देखने को मिलेगा। जब भी आप इसमें विड्थ को कम ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 10% मैंने किया, तो इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका 10% में होकर मिलेगा। एक नीचे ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ 10% करते हैं तो आप नाव में यहाँ भी 10% ही लिखा करें। सेव करते हैं और वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। इसी तरीके से यहाँ चेंज कीजिए और चेंज करके आप 75%, 100%, 50%, 80% करके देखते रहिए, आपको प्रोग्रेस बार उस हिसाब से मिलता जाएगा। यहाँ ये स्टाइल एट्रीब्यूट लिखने के बजाय आप चाहें तो बूटस्ट्रैप यूटिलिटी का यूज़ कीजिए विड्थ वाले का, लाइक डब्ल्यू 100, 25, 50 या फिर कुछ भी। मान लीजिए मैंने 75 किया, सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये 75 होकर आपको दिखाई देगा। सो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं विदाउट स्टाइल एट्रीब्यूट, सॉरी विदाउट इनलाइन स्टाइल। अगर इसमें आपको लेबल देना है, फॉर एग्जांपल, ओके सारी चीज़ ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा डिव लग रहा है मुझे, ये नहीं है क्या एक्स्ट्रा ये? जी हाँ, एक डिव यहाँ से ख़त्म, एक डिव नहीं, एक्स्ट्रा नहीं था वो। ओके ठीक है। सो लेबल देना हो, मान लीजिए कि 75 हो रहा है, 75 आपने लिखा हुआ है, यहाँ भी 75 कर देते हैं अभी के लिए। लेकिन ये कहीं दिखाई नहीं देता यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे वेब पेज में तो यहाँ कहीं भी 75 दिखाई नहीं दे रहा। सो इसको लेबल करने के लिए आप इन दोनों ओपनिंग डिव और क्लोजिंग डिव के बीच में 75% यहाँ एज टेक्स्ट लिख सकते हैं, एज ए लेबल यहाँ लिख सकते हैं। इसको सेव करना है। सेव करने के बाद इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ आपको 75 होकर दिखाई देगा। आप इसकी हाइट भी तय कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ ये जो प्रोग्रेस ये वाला जो डिव है, यहाँ आपको हाइट देना है, लेकिन वो आप दे सकते हैं इनलाइन स्टाइल के साथ। सो आप यहाँ लिखना है हाइट 50px। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके तो ये आपको 50px में दिखाई दे रहा है। सो हाइट भी आप तय कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको आना है इस डिब में, इनर डिब में, और यहाँ आपको कलर स्कीम देना है। जैसे कि हम लोग के पास क्या क्या कलर स्कीम है, हम लोग के पास डेंजर है, डार्क है, इन्फो है, लाइट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है।
इनमें से कोई भी आप देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट में प्राइमरी दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इन्फो यूज़ कर लेते हैं, सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप, तो यहाँ आपको इन्फो स्कीम कलर स्कीम अप्लाई होकर दिखाई देगा। इसके अलावा आप स्ट्रैप्ड बना सकते हैं इसको, उसके लिए आप एक क्लास यहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ पर यहीं पर यूज़ करते हैं, इसको लिख देते हैं, इसका क्लास है प्रोग्रेस स्ट्रैप्ड। सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसको एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए भी एक क्लास दिया गया है बूटस्ट्रैप के द्वारा, जो कि है प्रोग्रेस बार एनिमेटेड, यह भी देख लेते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप, तो ये एनिमेट होकर आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है, एनिमेट होकर दिखाई दे रहा है। ओके, सो यही है आपका प्रोग्रेस बार। ध्यान रखिएगा कि कुछ ब्राउज़र हैं जिसको सपोर्ट नहीं करते हैं अभी भी, तो कंपैटिबिलिटी आपको चेक कर लेनी है सभी ब्राउज़र में इसको रियल प्रोजेक्ट में यूज़ करने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।